फिल्म दंगल में गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाने वाली जायरा वसीम के माफीनामे के बाद पूरा बॉलीवुड उनके समर्थन में आ गया है। उनके को स्टार पिता आमिर खान ने ट्वीट कर उन्हें देश ही नहीं दुनिया भर के बच्चों के लिए रोल मॉडल कहा है। आमिर खान ने लिखा, मैंने जायरा का बयान पढ़ा और मैं समझ सकता हूँ और कल्पना कर सकता हूँ कि उसने किन हालात में ये सब लिखा होगा। जायरा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छी बात यह है कि तुम जैसे बुद्धिमान, युवा, प्रतिभावान, मेहनती, सम्मानजनक, दूसरों का ख्याल रखने वाले और हिम्मती बच्चे सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर के बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। तुम तो मेरी भी रोल मॉडल हो। मैं सबसे अपील करता हूँ कि उसे अकेला छोड़ दें और इस बात का ख्याल रखें कि वो महज 16 साल की लड़की है जो अपने दम पर जिंदगी के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है। वहीं अनुपम खेर ने भी जायरा को अपना रोल मॉडल बताते हुए पोस्ट किया, डियर जायरा वसीम, आपका माफीनामा दुखद है लेकिन हिम्मत से भरा है। यह उन लोगों की कायरता को बेनकाब करता है जिन्होंने आपको इसे लिखने पर बाध्य किया, लेकिन आप मेरी रोल मॉडल हैं। रेसलर गीता और बबीता फोगाट ने भी जायरा का समर्थन करते हुए कहा है, जायरा वसीम को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी यहाँ बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके पहुँचे हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, देश उनके साथ है। तो अब पूरा बॉलीवुड दंगल गर्ल के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जायरा ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर अलगाववादियों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू कर दी थी, जिसके बाद जायरा वसीम ने सोशल मीडिया पर एक माफीनामा पोस्ट किया था, लेकिन इसके बाद विवाद और बढ़ गया और जायरा ने माफीनामा हटा लिया। देखते रहिए डीबी लाइव।